हेलो गाइस, दिस इज कुलदीप एंड यू आर वाचिंग स्टडी सेंटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ की। इसमें मेंटल हेल्थ को हम टैकलिंग एंड स्ट्रेस एंड डिप्रेशन इन सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। बिकॉज अभी स्टडी हुई है तो इस स्टडी में मालूम पड़ा है कि जो कोरोना के टाइम पर जो लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन में डिप्रेशन की समस्या यूथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा आई है। और रिसेंटली जो अभी बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई थी, उनकी उस ट्रेजिक डेथ की वजह से इस टॉपिक को ऑल्सो ट्रिगर्ड ए मच नीडेड कन्वर्जेशन ऑन मेंटल हेल्थ इन इंडिया। सो चलिए शो करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द WHO ऑर्गेनाइजेशन, ओवर 90 मिलियन पीपल और जो कि इंडियंस हैं और 7.5% ऑफ पॉपुलेशन सफर फ्रॉम मेंटल हेल्थ इशू। जो कि इंडिया में 7.5% ऑफ पॉपुलेशन है वो अभी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की इशू, जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है उसको फेस कर रही हैं। और अभी जो स्टडी हुई है लैंसेट के द्वारा जो December 2019 में, जिसका टाइटल था कि द बर्डन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ इंडिया, द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी 1992-2017 तक, इसमें जो डिटेल लगा है ऑल्सो हाईलाइट्स द स्केल ऑफ द चैलेंज। सो उसमें इस स्टडी में दिखाएगा कि इसके काफ़ी सारे चैलेंज है जो 1990 से लेकर 2017 तक इसमें लिए गए हैं। सो इसमें बताया गया है कि 1 in every 7 इंडियन, जो 7 में से 1 इंडियन को वाज अफेक्टेड बाई मेंटल हेल्थ इशू इन 2017 तक 7 में से 1 आदमी को या 1% को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम थी। द प्रोपोर्शनल कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ टू द टोटल डिजीज बर्डन हैज ऑलमोस्ट डबल सिंस 1990 से। जो सो इस मेंटल हेल्थ इतना बड़ा इशू हो गया कि सिंस 1990 से इसका प्रोपोर्शनल लगभग डबल हो गया है। सो इसका जो इस डिसीज का जो बर्डन है लगभग ऑलमोस्ट डबल सिंस 1990 के बाद इसका डबल हो गया। एंड सुसाइड वॉज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमॉन्ग द पीपल, जो कि एज इनकी एज 15 से 39 के बीच में होती है, जो सुसाइड करते हैं उनमें से जो मेन इसका पॉट मेन कॉज या मेन रीजन होता है वो उसमें से मेंटल हेल्थ होता है। देन द पेंडेमिक ऑल्सो डज नॉट सीम्स टू बी हेल्पिंग एंड प्लेइंग ऑन द माइंड्स ऑफ लैक्स ऑफ पीपल एंड कॉजिंग स्ट्रेस। जो अभी पेंडेमिक चल रहा है उसके वजह से ये इसमें और ज़्यादा हेल्प कर रही है डिप्रेशन लाने में। लॉकडाउन अभी हो रखा है कोरोना के टाइम पर, सब लोग 3-4 महीने से अपने घर पर हैं। सो ये भी एक चीज़ है, इसमें ये फैक्टर है जो कि वर्क करता है। देन मेंटल हेल्थ इन इंडिया, सो इंडिया में मेंटल हेल्थ के बारे में मेंटल हेल्थ के बारे में इंडिया में बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मेंटल इलनेस मेक्स अबाउट 15% ऑफ टोटल डिसीज। तो इंडिया में टोटल डिसीज का जो बर्डन है या टोटल डिसीज का मतलब, उनमें से 15% से मेंटल हेल्थ के केसेस ही आते हैं। सो 50% ऑफ टोटल डिसीज कंडीशन अराउंड द वर्ल्ड। सो वर्ल्ड में जो कंडीशन टोटल डिसीज का 15% पार्ट तो से मेंटल हेल्थ का। सो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन अफेक्टेड फ्रॉम मेंटल इलनेस, और इंडिया इनमें से वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो मेंटल इलनेस से काफ़ी इफेक्ट है। सो एज ए रियल WHO लेबल्ड इंडिया एज अ वर्ल्ड मोस्ट डिप्रेसिंग कंट्री। सो अकॉर्डिंग टू WHO इंडिया को उन्होंने वर्ल्ड मोस्ट डिप्रेसिंग कंट्री बोला है, उसको एज ए लेबल्ड किया गया। सो मोर एवर बिटवीन 1990-2017 1 in 7 पीपल फ्रॉम इंडिया हैव सफर फ्रॉम मेंटल इलनेस रेंजिंग फ्रॉम डिप्रेशन, जो 7 में से 1 पीपल जो सफरिंग थे मेंटल इलनेस में, उनमें से डिप्रेशन था, देन एंग्जाइटी, देन सीवियर टू कंडीशन सच एज सिज़ोफ्रेनिया एंड अकॉर्डिंग टू, ये एक तरह की बीमारी जिसमें मेंटल प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है, लोगों की समझने की पावर होती है वो थोड़ी कम हो जाती है और थोड़ा नेगेटिविटी को ज़्यादा फोकस करते हैं। सो WHO के द्वारा अगर इस चीज़ पर फोकस नहीं गया किया गया, सो लाभ बाई द ईयर एंड ऑफ द ईयर 2020 डिप्रेशन बिल कॉन्स्टिट्यूट द सेकेंड लार्जेस्ट डिसीज बर्डन वर्ल्ड वाइड। सो अगर इस चीज़ पर अगर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया तो ये डिसीज एंड द 2020 की एंड तक ये सेकेंड लार्जेस्ट डिसीज बर्डन हो जाएगी वर्ल्ड वाइड पर। सो इट इज़ नो एग्जैक्ट टू सजेस्ट दैट द कंट्री इज अंडर ए मेंटल हेल्थ पेंडेमिक, जो ऑल्सो जो ग्लोबल पेंडेमिक चल रहा है कोरोना का, ये भी एक तरह का एक मेंटल हेल्थ पेंडेमिक बोल सकते हैं। बिकॉज मोर देन 450 मिलियन पीपल सफर फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स। सो काफ़ी सारे मोर देन फोर
450 मिलियन पीपल इस डिसीज से अफेक्ट हैं। सो इसमें देखते हैं कि जो रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं वो काफ़ी कम है, बिकॉज लॉ प्रोपोर्शन ऑफ मेंटल हेल्थ वर्क फोर्स इंडिया, जो इंडिया के अकॉर्डिंग जो पर लैक पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है, उस पर लैक पॉपुलेशन साइकेट्रिस्ट 0.3% है, देन नर्सेज 0.12%, देन साइकोलॉजिस्ट 0.07% एंड सोशल वर्कर 0.07% ऑल्सो। सो पर लैक पॉपुलेशन भी काफ़ी नंबर, काफ़ी पर लैक पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये काफ़ी कम नंबर है, और इंडिया की इंडिया जैसी पॉपुलेशन के लिए तो ये और भी ज़्यादा काफ़, जो कि वर्ल्ड की सेकेंड बिगेस्ट पॉपुलेशन है आफ्टर चाइना। सो लो फाइनेंशियल रिसोर्स अलोकेशन ऑफ जस्ट ओवर 1% ऑफ GDP ऑन हेल्थ केयर हैज क्रिएटेड एन इम्पीडिमेंट ऑन पब्लिक एक्सेस टू अफोर्डेबल मेंटल हेल्थ केयर। जो भी इंडिया की जो पॉपुलेशन है उनका काफ़ी सारा मनी तो सिर्फ हेल्थ केयर पर ही खर्च हो जाता। सो इस चीज़ को भी वो माइंड में लेकर चलना पड़ेगा कि मेंटल हेल्थ पर भी खर्चा होगा। सो लो फाइनेंशियल रिसोर्स एलोकेशन ऑल्सो हेल्प द लैक ऑफ रिसोर्सेज। सो एक और ये है, देन स्टिग्मा ऑफ मेंटल इलनेस। सो सोसाइटी में एक स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ को लेकर, सो देयर इज अ बिग स्टिग्मा अराउंड द पीपल सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इशू। अगर किसी पर्सन को मेंटल हेल्थ इशू आता है तो सोसाइटी में वो एक तरह के स्टिग्मा क्रिएट हो जाए और उसको ऑफन टैग्ड एज अ लूनेटिक, मतलब उसको एक तरह का बोलना नहीं चाहिए लेकिन पागल बोलते हैं सोसाइटी में। सो दिस लीड टू ए विशेस साइकिल ऑफ सेम देन सफरिंग ऑफ आइसोलेशन एंड आइसोलेशन ऑफ पेशेंट्स, उसको सेम फेस करनी पड़ती है, सफरिंग फेस करनी पड़ती है, देन उसको उस पेशेंट को आइसोलेशन भी फेस करना पड़ता है। सो ट्रीटमेंट गैप भी इसमें और एक काफ़ी बड़ा फैक्टर करता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट 92% ऑफ द पीपल हु नीड मेंटल हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी फॉर्म ऑफ मेंटल हेल्थ केयर। जो एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 92% ऐसे पीपल है जिनको जरूर मेंटल हेल्थ केयर की जरूरत होती है, लेकिन उनको ऐसे डू नॉट हैव एक्सेस टू, लेकिन वो ऐसी किसी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते। देन इकोनॉमिक बर्डन, इससे इकोनॉमिक बर्डन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज मेंटल हेल्थ ही ऐसी नहीं कि वो काम कर सके, मेंटली वो काम ही नहीं कर सकता, उसके पास मनी नहीं हो, सो मनी नहीं हो तो ऑब्वियसली उसकी या उसकी फैमिली को मेंटल या इकोनॉमिक बर्डन ऑफ मेंटल इलनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। सो ये उस इकोनॉमिक बर्डन पर भी एक कंट्रीब्यूट करता है। देन ह्यूमन राइट्स, इस चीज़ से ह्यूमन राइट्स भी काफ़ी ज़्यादा वॉयलेट होते हैं, बिकॉज वॉयलेट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स हैव बीन रिपोर्टेड इन मेंटल असाइलम, जो कि मेंटल हॉस्पिटल है, मेंटल असाइलम बोलते हैं उनमें, ये वॉयलेट्स ह्यूमन राइट्स काफ़ी ज़्यादा वॉयलेट्स हैं। ऑल्सो जो घर पर या प्लेस जो ट्रेडिशनल हीलिंग जो सेंटर हैं, जो मेंटल हॉस्पिटल बोलते हैं या घर पर जो सेंटर बना देते हैं, उनमें भी ह्यूमन राइट्स काफ़ी वॉयलेट्स राइट्स का काफ़ी वॉल्यूशन देखा गया। सो इन इंडिया मेंटल हॉस्पिटल स्टिल प्रैक्टिस सर्टेन ऑब्स्क्योर प्रैक्टिस। जो इंडिया में तो अभी जो मेंटल हॉस्पिटल उनमें ऐसी सारी प्रैक्टिस देखी गई हैं जो ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट करती हैं। देन बिकॉज फर्दर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज इन ह्यूमन राइट्स के वजह ह्यूमन राइट्स ये उन्हीं वजह से, बिकॉज इन मेंटल हॉस्पिटल में नो पुअर बिकॉज फर्दर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सच एज क्लोज स्ट्रक्चर ए लैक ऑफ मेंटेनेंस एंड अनक्लीन टॉयलेट्स एंड स्लीपिंग एरिया ETC क्लियरली वॉयलेट द बेसिक ह्यूमन राइट्स। बिकॉज इन हॉस्पिटल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं होता, देन क्लीननेस नहीं होती, देन मेंटेनेंस भी ठीक से नहीं, तो ये सब चीज़ें भी वॉलेट ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन करती हैं। सो ऑल्सो वॉलेट द बेसिक ह्यूमन है, जो ह्यूमन का जो बेसिक राइट्स होता है वो भी ये सब चीज़ें उसका वॉलेट करती हैं। सो इसकी हमें अभी क्या सोसाइटी और इस चीज़ पर काम करने के लिए, अभी हमें सबसे पहले तो हमें स्टिग्मा और उस स्टिग्मा पर काम करना है और लोगों में अवेयरनेस लानी पड़ेगी टू बी एड्रेस इन पैरेलल, स्टिग्मा प्लस एड्रेस अवेयरनेस, दोनों चीज़ों को पैरेलल काम करना पड़ेगा टू टैकल द बर्डन ऑफ मेंटल इलनेस इन इंडिया। सो इंडिया में दोनों चीज़ को पहले लेके इन दोनों चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। देन स्टेट मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन, जनरल हॉस्पिटल, देन प्राइवेट प्रैक्टिस एंड NGO, इन सब को साथ आना पड़ेगा टुगेदर टू हेल्प अचीव द ड्रीम ऑफ मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल। सो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन, जनरल हॉस्पिटल एंड प्राइवेट प्रैक्टिस NGO को साथ में आना पड़ेगा टू अचीव, इसको चीज़ को अचीव करने के लिए
कि इस चीज को अचीव करने के लिए, बिकॉज मैंने जो ड्रीम है अपना कि द ड्रीम ऑफ मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल्स, सो सभी के लिए मेंटल हेल्थ केयर देने के लिए सब इंस्टीट्यूशन को साथ माना है, बिकॉज WHO से कि वी डू नॉट एक्ट अर्जेंटली, बिकॉज WHO ने बोला है कि अगर हम चीज पर जल्दी ही वर्क नहीं करेंगे तो बाई 2030 तक, 2030 तक डिप्रेशन विल बी द लीडिंग इलनेस ग्लोबली। सो अगर हम चीज इस चीज़ पर अभी फोकस नहीं करेंगे तो 2030 तक डिप्रेशन लीडिंग इलनेस ग्लोबली। सो ग्लोबली ये एक वो इलनेस ये वर्क लीडिंग लीड करेगा 2030 तक सभी डिसीज बर्डन में। सो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को देखते हुए कुछ लॉ एंड रूल एंड रेगुलेशन भी बनाए हुए। सो इनमें से एक है कि मेंटल हेल्थ एंड केयर एक्ट 2017। इस एक्ट के अकॉर्डिंग उस राइट टू मेक एडवांस डायरेक्टिव, बिकॉज जो पेशेंट है उसको ये अधिकार दिए हैं कि वो अपना ट्रीटमेंट कैसे और किस तरीके से करवाना चाहता है। सो उसके पास ये अधिकार है। देन जो पेशेंट होते हैं अगर वो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, अगर वो किसी वजह से सुसाइड कर लेते हैं तो उनकी इस एक्शन को ऑफेंस नहीं माना जाएगा, बिकॉज नाउ ए पर्सन हु अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड विल बी प्रिज्यूम्ड सफरिंग फ्रॉम सीवियर स्ट्रेस, बिकॉज वो एक सीवियर स्ट्रेस से सफर कर रहा है। सो शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन। सो उसके इस एक्ट को हम एज ए ऑफेंस नहीं मानेंगे। देन उसका देन और भी राइट्स हैं, देन इसमें से और हैं कि राइट टू अपॉइंटेड नॉमिनेटेड एंड रिप्रेजेंटेड। अगर कोई पर्सन मेंटल हेल्थ से वो सफर करता है तो वो अपना एक नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकता है। सो ए पर्सन शैल हैव द राइट टू अपॉइंटेड नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव टू टेक हिज और हर बिहाफ ऑल हेल्थ रिलेटेड डिसीजन। सो उसके अकॉर्डिंग उसके बिहाफ पर वो आदमी जो अपॉइंट किया गया उसके डिसीजन ले सकता है। देन उसके पास कुछ और भी राइट्स हैं जैसे कि एक्सेस ऑफ मेंटल हेल्थ केयर, देन फ्री क्वालिटी सर्विस, देन गेट फ्री मेडिसिन, देन राइट टू कम्युनिटी लिविंग, देन प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूल इनह्यूमन देन डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, देन राइट टू लिव एन एनवायरमेंट एंड सेफ एंड हाइजीनिक हैविंग बेसिक इम्यूनिटीज, देन लीगल एंड देन मोस्ट देन नो इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी विदाउट एनेस्थीसिया, बिकॉज इस थेरेपी में उस पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। सो अगर ये थेरेपी उस पेशेंट को दी जाती है तो बिना एनेस्थीसिया की उस ये थेरेपी ना दी जाए। सो इस चीज पर अगर हमें वर्क करना पड़ेगा तो साइकोलॉजिस्ट और साइकोस्टिस्ट के नंबर इंक्रीज करने से इस चीज पर कोई हेल्प नहीं मिलेगा। जब तक हम इस सोसाइटी पर स्टिग्मा एंड अवेयरनेस ये दो चीजें सोसाइटी में नहीं लाने देते, बिकॉज आज के टाइम पर मेंटल हेल्थ एंड डिप्रेशन पर लोग ज़्यादा बात नहीं करते, जो कि गलत है, बिकॉज मेंटल हेल्थ इंक्लूड्स आर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। सो साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेस्टिक के नंबर इंक्रीज करने से मेंटल इलनेस की मेन प्रॉब्लम फिनिश नहीं हो सकती। जब तक हम सोसाइटी में जो सो कॉल्ड स्टिग्मा है, जो कि उसको पागल बोलने का, और अवेयरनेस, इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक ये प्रॉब्लम सोसाइटी में फिनिश नहीं होगी। और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ मेंटल हेल्थ के अलावा और भी काफ़ी डिसीज़ हैं और लोग उन डिसीज़ पर अपनी सेविंग खर्च कर देते हैं और इनके लिए उन पर खर्च कुछ बचता नहीं है या एक्सपेंस नहीं कर सकते या इस चीज़ को ज़्यादा लाइटली लेते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। इस चीज़ के बारे में अभी ज़्यादा लोग बात भी नहीं करते और इसको डिप्रेशन मेंटल इलनेस या जो वो ये दो चीज़ बोलती है डिप्रेशन या मेंटल इलनेस को अभी डिसीज ही नहीं मानते लोग कुछ लोग तो। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द स्टडी सेंटर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।